हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन की बहुत ही दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी, जिसे कि आप मोहन थाल के नाम से भी जानते हैं। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगी मोहन थाल आप परफेक्टली किस तरह और कैसे बनाएं। तो आइए अब आपको मैं आप इसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 250 ग्राम बेसन लिया हुआ है और मैंने ये हाफ ग्लास दूध के अंदर मैंने एक चम्मच घी डाल लिया है। फ्रेंड्स, अब इस चम्मच की सहायता से हम घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस प्रकार अपने बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध और घी डाल लेंगे। आपको इसे इसी तरह बखेर बखेर कर ही डालना है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ, उस तरीके से आप बड़े परफेक्ट तरीके से बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लोगे। हमें बेसन में दाना बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, हाथों से मलना पड़ता है। तो मैं आज आपको बिना हाथों में मले ही इसे बताऊँगी किस तरह और कैसे बनाएं आप। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे दूध को इसमें डाल लिया है। तो ये कहीं से गीला और कहीं से सूखा हो चुका है। आपको इसे परफेक्टली गीला नहीं करना है। तो देखिए, 2-3 चम्मच मैं इसमें और दूध डाल लूँ और अब फिर से इसी प्रकार हिला लूँ। बस परफेक्ट आपको इतना ही दूध आपकी इसमें लगेगा। देखिए, मैंने ये थोड़ा सा दूध इसका बच गया है। इस दूध को भी हमें काम में लेना है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए, इस प्रकार का आपको इस बेसन को करके एक मिक्सी का जार ले लेना है, इस प्रकार का, और इस बेसन को और इस मिक्सचर को अपने जार में डालना है और एक बार मिक्सी के अंदर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, इसे आप बहुत ही जल्दी मोहन थाल बनाकर तैयार कर लोगे। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका दाना दाना किस प्रकार बन चुका है। आप देख सकते हो, इसमें ना तो आपको छलनी में छानने की ज़रूरत पड़ी और ना ही इसे मलने की ज़रूरत पड़ी। यह बिल्कुल परफेक्ट, जिस प्रकार का मोहन थाल में हमें दाने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार का यह बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे मैं एक इस प्रकार की थाली में या आपके पास बाउल वगैरह उसमें निकाल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली यह दाना तैयार हुआ है। तैयार कर लेना है। अब जो और बेसन है उसका भी आपको इसी प्रकार का यही दाना तैयार करना है। तो मैं फिर से इसे मिक्सी के जार में डालूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपसे यह बेसन ज़्यादा गीला हो जाए तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। अगर आपको आपके पास ज़्यादा बेसन गीला हो जाए तो इसी जार में जब आप बेसन डालो तो उसमें थोड़ा सा सूखा ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने फिर से इसी प्रकार इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और फिर से इसी प्रकार मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा बेसन इसमें डाल के अच्छे से इसे तैयार कर लिया है और अब जो खाली प्लेट है उसे मैं एक साइड में रख लेती हूँ और जो थोड़ा सा और इसके अंदर बेसन और बचा हुआ है उसे भी मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँ। तो देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने अपने बेसन को बिल्कुल दानेदार बना लिया है, बिल्कुल जैसे कि आप मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं उस प्रकार का यह दाना बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में डालेंगे घी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने गैस पे रखेंगे कढ़ाई। तो फ्रेंड्स, घी का मेजरमेंट आप कटोरी से कर सकते हो। मैंने एक कटोरी घी लिया हुआ है। देखिए, इस घी को मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें से मैंने बचा भी लिया है। आपको 2-3 चम्मच घी बचा लेना है, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, इस मोहन थाल को अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आप बार बार बनाकर खाएंगे और यह खाने में तो काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि आप मिल्क केक खाते हैं उसी प्रकार का इसका टेस्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने बेसन को जो मैंने अभी मिक्सी में ग्राइंड किया था वो थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँ। तो देखिए, मैंने सारा बेसन इसमें डाल लिया है और अब इसे मैं धीरे धीरे भून लूँगी। फ्रेंड्स, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे घी कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारा बेसन पकेगा वैसे हमारा घी रिलीज होता जाएगा। तो आपको घी इसी कंडीशन में रखना है, इसमें और घी मत डालिएगा वरना बाद में इसमें काफ़ी घी हो जाता है। धीरे धीरे जब यह पकता है और घी को रिलीज करता है तो धीरे धीरे मैं अपने बेसन को इसी प्रकार पकाते रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि हमारा जो बेसन है उसका दाना अच्छे से पक जाए।
आपको इसमें पकाने में 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। धीरे धीरे आपको इसे इसी तरह पका लेना है। फ्रेंड्स, यह है बेसन का जो हम वो बनाते हैं हलवा, यह है काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी अच्छा लगता है। इस मोहन थाल की मैं आपको आज परफेक्ट विधि बता रही हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। बस फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखें कि इसमें आप हिलाते इसी तरह रहें, इसे हिलाने से आपको बिल्कुल बंद नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इसका कलर एकदम से चेंज होता जा रहा है। तो इसी कंडीशन में मैं इसमें 1 स्पून घी और डाल दूँगी। तो देखिए, इसी टिफ़िन में से मैं थोड़ा सा घी इसमें डाल दे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और फिर से आपको इसी तरह से हिलाना है। फ्रेंड्स, आप इसे जितना लो फ्लेम पर तैयार करेंगे उतना ही आपका यह बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। और फ्रेंड्स, एक तरफ मैं अपनी चाशनी रख देती हूँ गैस पर। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँ। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब मैं लूँगी एक बड़े वाली कड़छी, तो उससे मैं इसी तरह से हिला लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा दाना अब भी जैसा मैंने बनाया था उसी प्रकार का बनकर तैयार हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पका दूँगी ताकि हमारे मोहन थाल में कोई कमी ना रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। इस कंडीशन में आपको इसे ज़रूर हिलाते रहना है क्योंकि नीचे की तरफ से काफ़ी कलर चेंज हो जाता है इसका। फ्रेंड्स, अगर आप अपना मोहन थाल परफेक्ट बनाना चाहते हो तो आप अपने बेसन को अच्छे से ही पकाइएगा, इसे बिल्कुल भी कच्चा ना रहने दें। अगर इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया तो आपका मोहन थाल खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो यह है बिल्कुल, मैंने लो फ्लेम पर इसकी कंडीशन इस प्रकार की कर ली है। तो इसमें थोड़ा सा घी मैं और ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बेसन काफ़ी ब्राउन कलर का हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुका है। आपको इसी प्रकार का अपना बेसन करके, अब इसमें मैंने बताया था कि मैं एक तरफ अपनी चाशनी तैयार कर रही हूँ, तो अब चलते हैं हम अपनी चाशनी की तरफ। इसी प्रकार का हमें इसे बनाकर छोड़ देना है, यह इसका परफेक्ट इशू है। तो अब इसमें डालूँगी मैं जो बचा हुआ दूध था, जिसकी मैंने आपको बताया था इसे बिल्कुल ख़राब नहीं करना है आपको। इसमें थोड़ा सा अपना दूध डालना है, इसे फिर से हिला देना है। दूध से इसमें काफ़ी फुलावट आ जाती है और जो दाना दाना है हमारा उसका वो अलग अलग हो जाता है। तो दूध आपको बीच बीच में इसी प्रकार डाल देना है। आप देख सकते हो हमारा बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से फूल चुका है। और इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा खोआ। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, वरना नहीं हो तो आप खोए की जगह इसमें मलाई भी डाल सकते हो। तो ये मैंने 100 ग्राम खोआ लिया हुआ है, इसे मैं अच्छे से बिल्कुल अलग अलग करके इसमें डाल देती हूँ। और इसे भी मैं इसी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा बेसन थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दो, मैं इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह दबा कर रख दूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसे थोड़ा हिला लेती हूँ ताकि जो हमारा खोआ है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये कहीं से मोटा और कहीं से छोटा रह गया है। फ्रेंड्स, खोए से इसका थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे मलाई भी खोए का काम करती है, मेरे पास अब मलाई नहीं थी इसलिए मैंने होममेड खोआ लिया हुआ है। अगर आप खोए की रेसिपी देखना चाहो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके सभी को मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मैंने खोए को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें खोआ कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसी कंडीशन में मैं इसमें अब डाल दूँगी थोड़ी चाशनी। ये मैंने चाशनी बॉईल कर ली थी, थोड़ी सी मैं इसमें चाशनी डाल लेती और इसे हिला देती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें चाशनी इसलिए थोड़ी डाली है जो कि इसमें खोआ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना लाजवाब और कितना बढ़िया बना हुआ है।
और फ्रेंड्स इस कंडीशन में अगर आप ये चाहते हैं कि इसका कलर और भी अच्छा और भी लाजवाब बने तो इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि मैंने दूध में ही इसमें फूड कलर मिला लिया है। तो मैं इसमें 1 स्पून ये दूध के साथ इसमें डालूंगी फूड कलर, जिससे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा हो जाए। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें दाना अब भी है। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसी प्रकार छोड़ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मोहन थाल बनकर तैयार होने वाला है। तो उसके लिए मैंने ली हुई है 2 तार की चाशनी। तो ये मैंने चाशनी भी तैयार कर ली है। चाशनी को आपको इस प्रकार चेक करना है, देखिए यह है 2 तार की चिपचिपी चाशनी। चाशनी आपको एकदम से नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है और फिर इस प्रकार इसे हिला लेना है। इस प्रकार हमें इसका परफेक्टली मोहन थाल बनाकर तैयार कर लेना है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बेसन ने चाशनी को पी लिया है। अब हम इसमें जो थोड़ी चाशनी बची है वो भी डाल लेते हैं और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। वैसे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए और चला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा दानेदार मोहन थाल बनकर तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको इसे चम्मच में लेकर भी दिखा रही हूँ, इसका बिल्कुल दाना दाना अलग अलग हो चुका है। ये फ्रेंड्स मैंने इसका परफेक्ट रेसिपी बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप इसे बनाइएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे। और देखिए अब यह कढ़ाई पर भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। और फ्रेंड्स अब इसमें डालूंगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हुए हैं थोड़े काजू और थोड़ा पिस्ता। ये मैंने थोड़े काजू इसमें डाल दिए हैं और ये थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे एक ट्रे या प्लेट में जिस चीज़ में आप डालना चाहो उसमें डाल सकते हो। मैंने इस प्रकार की एक ट्रे तैयार कर ली है। आप चाहो तो इसे अपने थाल में भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसकी मिठाई काट कर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैंने इस ट्रे में इसे निकाल लिया है, चारों तरफ मैंने इसकी घी लगा लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये स्पैचुलर की तरफ हाथ सहायता से मैं इसे फैला लेती। फ्रेंड्स का मेजरमेंट मैंने आपको जैसे कि बता दिया है कि आपको कितना क्या इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये काटने में काफ़ी आसानी मिले इसे। और उसकी गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़े से पिस्ता। आप चाहो तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, गार्निश के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसकी। मैंने थोड़े पिस्ता मैंने इन्हें इससे गार्निश कर लिया है, आप देख सकते हो। और थोड़े से ये बादाम भी डाल देती हूँ, अगर ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहो तो आप इसे डाल लीजिएगा, वरना ये बिना बादाम के भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए और जो हमारे काजू बादाम हैं उन्हें इसके अंदर दबा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी ये मिठाई जमकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक उससे निकाल लूँगी। देखिए इस प्रकार मैंने इसे निकाल लिया है और आप इसके चारों तरफ इसे इस प्रकार इसे निकाल कर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हो, जिस शेप में करना चाहूँ। यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैं इसकी नॉर्मली जैसी मिठाई आती है वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरीके से खाना पसंद करेंगे और किस तरीके से आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं, उसी तरीके से आप कट कर सकते हैं इसे। तो देखिए मैंने अपनी मिठाई को कट कर लिया है। फ्रेंड्स यह मिठाई दानेदार तो बनती है, साथ में खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। देखिए मैं एक में से आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। यह बहुत ही दानेदार और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई है। देखिए इसमें कितना दाना और कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स आप एक बार मेरे कहने से इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।